हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन ओल्ड पीपल। मीन्स बच्चे बड़ों से ज़्यादा समझदार हैं। लेट्स रीड। इट वॉज एन अर्ली ईस्टर। ईस्टर इज़ अ फेस्टिवल, क्रिश्चियन पीपल सेलिब्रेट इट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इन द यार्ड्स ले स्नो, आंगन में बर्फ बिछी हुई थी। अत्यधिक ठंड के कारण यूरोपियन कंट्रीज में हमेशा बर्फ होती है। एंड रील्स रैन डाउन द विलेज। रील्स यानी स्मॉल स्ट्रीम्स, झरना, गांव में झरने बहते थे। अ लार्ज पडल had run down from a manure pile into a lane between two farms। दो खेतों के बीच खाद के ढेर से बहकर एक बड़े गड्ढे में पानी इकट्ठा हुआ है। So a large puddle is formed। Puddle, a small pool या हम छोटा तालाब कहेंगे। And at this puddle two girls, one older than the other, had met। इस पडल के पास दो लड़कियाँ, एक थोड़ी बड़ी और एक उससे छोटी, यह मिली। Both of them had been dressed by their mothers in new clothes। दोनों को भी उनकी मम्मी ने नए कपड़े पहनाए थे। The little girl had a blue dress, जो छोटी है ना, उसने नीले कलर का ड्रेस, and the elder a yellow one with a design, और जो थोड़ी बड़ी है उसने येल्लो कलर का डिज़ाइन वाला फ्रॉक पहना है। बोथ हैड देयर हेड्स रैप्ड इन रेड कर्चिफ्स। दोनों के सर पर रेड कलर का रुमाल बांधा हुआ है। आफ्टर प्रेयर्स इन द चर्च। प्रेयर्स प्रार्थना। चर्च में ईस्टर की प्रार्थना हुई। उसके बाद The two girls went to the puddle where they showed their new garments to each other and began to play। ये दोनों लड़कियाँ पडल के पास गई, नए कपड़े एक दूसरे को बताए और खेलने लगी। They wanted to splash in the water। दोनों को पानी उछालना था, पानी में खेलना था। The little girl started to go into the puddle with her shoes on। वैसे ही शूज पहनकर छोटी लड़की पडल में जाने लगी। But the older girl said to her, लेकिन बड़ी लड़की जो है उसने क्या कहा? Don't go, Malasha, your mother will scold you। I will take off my shoes and you do the same। मत जाओ Malasha, तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटेगी। मैं मेरे शूज निकालती हूँ और तुम भी ऐसा ही करो। द गर्ल्स टुक ऑफ देयर शूज, रेज देयर स्कर्ट्स एंड वॉक थ्रू द पडल टूवर्ड्स ईच अदर। शूज उतारे, फ्रॉक हाथ में पकड़े थोड़े ऊपर, और दोनों एक दूसरे के दिशा में चलने लगी। Malasha stepped in up to her ankles and said, "It is deep, Akulka, I am afraid." थोड़ा चलने के बाद Malasha कहती है, गहरा है यह अकुल का पडल, मुझे डर लग रहा है। नेवर माइंड, शी रिप्लाइड, इट विल नॉट बी एनी डीपर। नहीं, इतना गहरा नहीं है। कम स्ट्रेट टूवर्ड्स मी, सीधा मेरी ओर आओ। दे केम क्लोजर टू ईच अदर। वह एक दूसरे के नज़दीक आ गई पानी में। अकुल का सेड, Malasha, लुक आउट एंड डू नॉट स्प्लैश इट अप बट वॉक सॉफ्टली। Malasha, देख कर चलो, पानी मत उछालना, धीरे से चलो। शी हैड बेयरली सेड दैट वेन Malasha प्लम्प्ड हर फुट इन टू द वॉटर। उसने ऐसा कहा ही था कि Malasha ने अपना पैर जोर से पानी में रख दिया। एंड बी स्पैटर्ड अकुलकाज न्यू ड्रेस, और अकुलका के नए ड्रेस पर कीचड़ के धब्बे गिर गए। And not only her dress, but also her nose and eyes। केवल ड्रेस ही नहीं बल्कि नाक
और आंखों पर भी कीचड़ उछल गया। When Akulka saw the spots on her dress, she grew angry at Malasha. जब अकुलका ने देखा उसके ड्रेस पर धब्बे गिर गए हैं, वह बहुत गुस्से में आ गई। And scolded her, मलाशा को उसने डांटा। And ran after her and wanted to strike her, उसे मारने के लिए उसके पीछे भागी। मलाशा was frightened and seeing what trouble she had caused, jumped out of the puddle and ran home. मलाशा बहुत डर गई और उसने क्या किया है यह जब उसे ध्यान में आया तो पडल से बाहर कूदी और अपने घर दौड़कर चली गई। अकुलकाज मदर पास्ड बाय, शी सॉ हर डॉटर्स ड्रेस बी स्पैटर्ड एंड सॉइल्ड। अकुलका की माँ वहाँ से जा रही थी, उसने देखा अकुलका का ड्रेस कीचड़ मिट्टी में भरा हुआ है। वेयर अकर्स्ट वन, डिड यू गेट यूर सेल्फ सो डर्टी, बेकार इतना गंदा कहाँ किया तुमने। मलाशा हैज पर्पजली स्प्लैश्ड इट ऑन मी, मलाशा ने जानबूझकर मुझ पर गंदा पानी उछाला, अकुलका ने कहा। अकुलकाज मदर ग्रास्प मलाशा एंड गेव हर अ नॉक ऑन द नेप ऑफ नेक। अकुलका की माँ ने मलाशा को पकड़कर उसके मान पर मारा। मलाशा बिगैन टू हाउल, मलाशा जोर जोर से रोने लगी। एंड हर मदर रैन आउट ऑफ द हाउस, उसकी आवाज़ सुनकर माँ घर से बाहर आ गई। वाई डू यू स्ट्राइक माई डॉटर, शी बिगैन टू स्कोल्ड हर नेबर, तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा। स्ट्राइक यानी मारना, वह अपने पड़ोसी से झगड़ा करने लगी। वन वर्ड ब्रॉड बैक अनदर, शब्द से शब्द बढ़ा। एंड द वुमेन बिगैन टू क्वारल, और औरतें लड़ने लगी। द मैन टू रैन आउट एंड अ बिग क्राउड गैदर्ड इन द स्ट्रीट, घर से आदमी भी बाहर आ गए और रास्ते पर भीड़ इकट्ठा हो गई। ऑल वेयर क्राइंग, सब चिल्ला रहे थे। एंड नो बडी कुड हियर हिज नेबर, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था। दे स्कोल्डेड एंड कर्स्ड ईच अदर, भला बुरा कहा, गालियाँ दी। वन मैन गेव अनदर मैन अ पुश, एक दूसरे को धक्का भी दिया। एंड अ फाइट हैड बिगन, झगड़ा बढ़ गया। वैन अकुलकाज ग्रैंड मदर केम आउट, उसी वक्त अकुलका की दादी बाहर आई। शी स्टेप्ड इन द मिडस्ट ऑफ द पेजेंट्स एंड बिगैन टू टॉक टू देम, वह उन किसानों के बीच आई और उनसे कहने लगी। वॉट आर यू डूइंग डियर वंस, यह सब क्या कर रहे हो। कंसिडर द हॉलीडे, छुट्टियों का सोचो। दिस इज़ अ टाइम फॉर रिजॉयसिंग, यह खुशियाँ मनाने का समय है। एंड सी वॉट सीन यू आर डूइंग, और देखो तुम क्या पाप कर रहे हो। दे पेड नो अटेंशन टू द ओल्ड वुमेन, किसी ने भी उस बूढ़ी औरत की ओर ध्यान नहीं दिया। एंड अलमोस्ट नॉक्ड हर ऑफ हर फीट, और उसे लगभग गिरा ही दिया। शी वुड नेवर हैव स्टॉप्ड देम इफ इट हैड नॉट बीन फॉर अकुलका एंड मलाशा। अकुलका और मलाशा की बात न होती तो वह शायद उन्हें कभी न रोकती। वाइल द वीमेन एक्सचेंज्ड वर्ड्स, झगड़ा करना। जब वह औरतें लड़ रही थी, अकुलका वाइप्ड ऑफ हर ड्रेस, अकुलका ने अपना ड्रेस साफ किया। एंड वेंट बैक टू द पडल इन द लेन, और फिर से वह उसी पडल पर चली गई। शी पिक्ड अप अ पेबल, उसने एक छोटा पत्थर उठाया। एंड बिगैन टू स्क्रैच द ग्राउंड, और ज़मीन खरोचने लगी। सो एज टू लेट द वाटर ऑफ इन टू द स्ट्रीट, ताकि पानी बहकर रोड पर आ जाए। इस तरह से वह खेल रही थी। वाइल शी वॉज स्क्रैचिंग, मलाशा केम अप एंड बिगैन टू हेल्प हर। जब वह ज़मीन खरोच रही थी, मलाशा आई और उसकी मदद करने लगी। शी पिक्ड अप अ चिप
एंड वाइडेंड द रिल, उसने भी एक पत्थर उठाया छोटा सा और उस झरने को चौड़ा किया। द पेजेंट्स हैड बिगन टू फाइट, किसान मारपीट कर रहे थे। जस्ट एज द वॉटर वेंट डाउन द रिल टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द ओल्ड वुमन वॉज ट्राइंग टू सेपरेट द मैन, उसी वक्त उस छोटे झरने से पानी बहकर उसी जगह आ गया जहाँ वह बूढ़ी औरत उन लोगों को अलग करने की कोशिश कर रही थी। द गर्ल्स रैन, वन फ्रॉम वन साइड ऑफ द रिल, द अदर फ्रॉम द अदर साइड। दोनों लड़कियाँ उस छोटे झरने के दोनों साइड से भाग रही थी। लुक आउट बलाशा, लुक आउट, शाउटेड अकुलका। अकुलका चिल्ला रही थी, देखो मलाशा, देखो। मलाशा वॉन्टेड टू से समथिंग हरसेल्फ। मलाशा कुछ कहना चाहती थी बट कुड नॉट स्पीक फॉर लाफ्टर, पर जोर जोर से हंसते हुए बोल नहीं पा रही थी। द गर्ल्स वेर रनिंग एंड लाफिंग एट अ चीप विच वॉज बॉबिंग अप एंड डाउन द रील, एक छोटा पत्थर जो उस झरने में ऊपर नीचे उछल रहा था वह देखते हुए लड़कियां भाग रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। दे रैन स्ट्रेट इन टू द क्राउड ऑफ द पेजेंट्स, दौड़कर सीधा वह उन किसानों के भीड़ में आ गई। द ओल्ड वुमन सॉ देम, उस बूढ़ी औरत ने उन्हें देखा एंड सेड टू द पेजेंट्स, और किसानों से कहा, शेम ऑन यू बिफोर गॉड मैन, अरे भगवान के लिए थोड़ी शर्म करो। यू हैव स्टार्टेड फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दिस टू गर्ल्स एंड दे हैव लॉन्ग एगो फॉरगॉटन इट, तुमने जिन दो लड़कियों की वजह से झगड़ा शुरू किया वे तो पहले ही सब कुछ भूल चुकी है। द डियर चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग नाइसली टुगेदर, प्यारे बच्चे अच्छे से एक साथ खेल रहे हैं। दे आर वाइजर देन यू, वे तुमसे ज़्यादा समझदार हैं। द मैन लुक्ड एट द गर्ल्स एंड दे फेल्ट अशेम्ड, उन लोगों ने लड़कियों की ओर देखा और उन्हें शर्म महसूस हुई। देन दे लाफ्ड एट देमसेल्व्स, फिर वे अपने आप पर हंसने लगे एंड स्कैटर्ड टू देयर फार्म्स, और अपने अपने खेतों में निकल गए। सो डोंट यू फील लिटिल गर्ल्स आर वाइजर देन ओल्ड पीपल। दिस इज अ स्टोरी बाय फेमस रशियन राइटर लियो एंड टॉलस्टॉय। सो चिल्ड्रेन, हैव यू एंजॉयड इट? थैंक यू, रीड इट वंस अगेन।